ओम श्री साई राम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटे देखो, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अवर चैप्टर अप टू दिस क्वेश्चन। हमने यहाँ तक किया था ना फिनिश, या आपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। वेरी गुड। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करा। ये देखो, चेक योर आंसर्स। बेटा हमने ना एक क्वेश्चन, अभी ऐसा एक मेथड सीखना है कि अगर आपको बाई चांस आपको मैंने क्वेश्चन दिया और आप चाहते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेशली, ये एडिशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए मेथड है। आपने बड़े ध्यान से देखना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से चलाकर फिर से देखो, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो बेटा ये मेथड आपको बहुत काम आएगा। ये आपका है सब्ट्रैक्शन विद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, हमने उसको चेक करना है, या फिर बोल सकते हैं चेक योर आंसर योर सेल्फ। आप अपने आंसर को अपने आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कर रखा ना, इसको मैंने यहाँ पे करके आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे है लिखा ना, चेक योर आंसर, कि आप अपने आंसर को ना अपने आप चेक कर सकते हो बिना मैम की हेल्प से कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। देखो जरा ये स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। कर दी, सिक्स में से फोर गए टू, अब थ्री में से हम वन लेफ्ट करेंगे तो टू, यस टू में से वन गया वन, ये तो हमारा ठीक है। बट फिर भी कई बार दिक्कत होती है ना, हम कहीं से बोरो करते हैं तो क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। ये तो विदाउट बोरिंग था ना क्वेश्चन, ये तो ईजी हो गया, हमने कुछ बोरो नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद हमने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, देखो बेटे दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप देखो, हमने ना सिर्फ इन दो नंबर्स को लेना, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फोर प्लस टू सिक्स, वन में हमने टू ऐड किया थ्री, वन प्लस वन टू, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको अलग भी लिख के कर सकते हो। तो अगर आपका जो नीचे फाइनल आंसर इस आंसर के इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, तो ये आपका ठीक होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। मैंने आपके पेज नंबर 83 से ये जो क्वेश्चन है, इनमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और सेकंड क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन विद वेरिफिकेशन। कौन से मेथड है जी, सब्ट्रैक्शन विद वेरिफिकेशन। और ये आपका पेज नंबर 83 के क्वेश्चन है, मैंने टू किए हैं, फिर बुक में भी ट्राई करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फोर में से थ्री गया, जिस लेफ्ट करते ना वन, एट में से फोर फोर, थ्री में से टू गया वन। अब हमने क्या करना, हमने करना है अब वेरिफिकेशन, मीन हमने अपना आंसर चेक करना है। तो हमने इन दोनों को जो लास्ट में आए ना, एक हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्ट करके और इसके ऊपर वाला, इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करके हमारा ये वाला आंसर आ गया ना, ऊपर के ये जो हमारा ऊपर लिखा, सबसे ऊपर नंबर लिखा रखा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। ये देखो सेम आ गया ना, तो हमारा आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, एट में से नाइन गया वन, सपोज बच्चे ने कर दिया, एट में से नाइन गया वन, ठीक है। अब सिक्स जहाँ पे क्या किया उसने, जहाँ तो उसने बोरो लिए नहीं, 89 था, 18 में से नाइन गया, जहाँ पे नाइन होता ना, बट गलती से बाई मिस्टेक लिख दिया, एट में से नाइन गया वन, सिक्स में से थ्री गया टू, ओके, जबकि मैंने फाइव में से थ्री गया टू, फोर में थ्री में से वन गया टू। अब देखो क्या जी आपका क्वेश्चन ठीक है, इसको देखो। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हुआ, नाइन में वन ऐड किया ज़ीरो, थ्री प्लस टू फाइव, और वन इधर गया कैरी, तो सिक्स, ये तो आंसर ये आ गया। ये देखो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया ना, यस। तो आपकी बुक में बेटा ऐसे ही कर रखा था, ये देखो इन्हों देखो, या तो आप इन दोनों को ऐड करो, ये देखो सब्ट्रैक्शन करके ये है ना, या तो इन दोनों को यही ऐड करके आप नीचे लिख दो ऐसे क्लाउड सा बनाकर ना वेरीफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ना, ये देखो इन दोनों को इधर लिख रहे हैं, ये देखो, और ऐड करने के बाद ये देखो सेम आ रहा ना आंसर ये वाला, ठीक है। इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके दिखाया, जो आंसर सेम नहीं आ रहा तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये वाला भी देखो, अब इन दोनों को ऐड कर दो इधर, ये देखो 247 119 ऐड करके, ये देखो ये भी सेम नहीं आ रहा ना, ये भी रॉन्ग है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फिर दोनों को ऐड करेंगे अलग, जो हमारा लास्ट में नंबर आएगा अगर वो सेम आ रहा तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये देखो फिर से लगा रहा है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग, ठीक है। ऐसी बेटा ये देखो, इसमें मिसिंग नंबर फिल करने थे कि मैं एट में से क्या माइनस करूँगी, फाइव आएगा थ्री, सेवन में अगर थ्री माइनस करेंगे तो फोर, कौन से नंबर में से मैं सेवन माइनस करूँगी आए टू, तो नाइन में से सेवन गया टू, ऐसे ही इलेवन में से एट गया थ्री, तो यहाँ पे इसने इसको इलेवन बनाया, तो यहाँ पे इसने बोरो किया तो वन में से वन ज़ीरो, ओके। ये देख लो बेटा क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट में देखो क्या करना है,
यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन दे रखे बेटा, ये आपने अपने आप ट्राई करना है, मैंने सिर्फ दो तीन कर दिए। जो भी आपने, ये देखो प्लस का साइन है तो आपने प्लस करना है, माइनस है तो आपने माइनस करना है। ये देखो जहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। इसको करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सर्कल करते जाना है इसमें, ओके। ये देखो इसको आपने यहाँ पे क्वेश्चन में, ये देखो आपकी प्रैक्टिस है जी, ध्यान से देखना कि साइन कौन सा लग रहा है, प्लस का है या माइनस है, ओके। इसको करके आपने यहाँ पे इसमें ऐड अपने सर्कल करते जाना, ठीक है बेटे जी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कर दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर। जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स होता है कि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ सेम रिपीट हो रही है। देखो जैसे 100, फिर 100 ऐड हुए, 200, फिर 100 ऐड हुआ, 300, 100 बार बार आ रहा ना। ये देखो 400, 500, 600, 700, ओके। ऐसे ही ये देखो इसमें 50-50 ऐड हो रहे हैं, कहीं माइनस भी हो सकता है, ऑपोजिट भी आ सकता है। ये देखो जैसे इसमें 300 है, फिर 250 हुआ, 200, 50 लेस हो रहा ना, 150, 150। इसमें क्या 25 में ऐड किया कि 35 आया, 10 ऐड किया ना, तो क्या ऐड किया, 45। तो जहाँ भी तो 10 ऐड होगा, 15 में 10 ऐड किया तभी 25 हुआ, तो दिस इज़ 15। क्लियर है, आगे भी देखो ऐसे ही, ठीक है बेटे जी। सो ये भी आपने, ये अपने नोटबुक में कर लेना, दिस इज़, ये भी नोटबुक में करना है आपने, और ये वाला भी अपनी नोटबुक में डेट के साथ अपने 15 डेट डालकर ये भी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। इसमें देखो बेटे, ये मेंटल मैथ है, ये एक नंबर है, ये आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ये हमने निकालना है, ठीक है। ये सॉरी, ये तो आपको, हाँ ये निकालना था हमने। देखो उन्होंने कहा कि अगर 80 में से मैं 35 माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 45, ठीक है। अब मैं अगर 35 में 45 ऐड करूँगी तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना 80, तो ये आंसर 80, ठीक है, क्योंकि ये नंबर वही यूज़ हो रहे हैं ना। ऐसे ये देखो, अगर 50 में से मैं क्या प्लस, 50 में मैं क्या ऐड करूँ, मेरे 75 है, वो हमें पता है 50 में अगर मैं 25 ऐड करूँगी तो 75 आ जाएगा। अब मैं 75 में 25 माइनस करूँगी तो यही आएगा ना, 50 आएगा, ठीक है। ऐसे बेटा देखो इसको, 110 में से अगर मैं 60 को माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 50 आएगा, और अगर मैं 50 में 60 ऐड करूँगी तो 110, यही नंबर आ जाएगा जहाँ पे 110, ओके। ऐसे इसको देखो 200, 120, 320 माइनस करेंगे तो 200, ठीक है बेटे जी। जहाँ तक आपने काम करना है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ हमारे जो वर्ड्स प्रॉब्लम रह जाएंगे इस चैप्टर में सब्ट्रैक्शन के, वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटे जी। प्लीज़ क्वेश्चन करने हैं अपने नोटबुक में, ये वाला, ठीक है। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेजूँगी सब्ट्रैक्शन के विद वेरीफिकेशन, ठीक है, आपने वो करनी है, क्लियर है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगी, आपने ये नोटबुक में करना है, कि आपने उसकी चेकिंग भी करनी है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगी, ये आपने नोटबुक में करना है, ठीक है बेटे जी। साई राम।